आइए दोस्तों, आज एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो परिवार रहता है अहमदाबाद, नरही थाना क्षेत्र का, और नरही गांव जो कई पीढ़ी वहां रही। जब इस परिवार को ये पता चला कि हमारे घर को किसी ने जबरन कब्जा कर लिया, जब उस घर में वो परिवार गया तो ये पता चला कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी है। ये परिवार अहमदाबाद में रहता है, बलिया जिले का नरही थाना क्षेत्र का नरही है। एक सप्ताह पहले ये परिवार अहमदाबाद से जब लौटा तो पता चला उसके घर का सारा सामान फेंक दिया गया और मकान को कब्जा कर लिया गया। अब उस जगह पे एक काफ़ी ज़मीनें जो है वहाँ पे जो थी वो समतल कर दिया गया। अब ये परिवार को पता ही नहीं चल रहा है कि वो मेरा घर, वो सामान कहाँ गया। दोस्तों, जब ये परिवार थाने पे गया अपनी अर्जी लेकर तो थानेदार साहब ने भी नहीं सुनी। ये कमज़ोर परिवार आखिर कब तक सताया जाएगा? इनको अपना घर कैसे मिलेगा? इनकी अपनी खुद की ज़मीन कैसे मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल शासन और प्रशासन से है, क्योंकि ये परिवार अहमदाबाद के एक कंपनी में नौकरी करता है। आज ये तीन परिवार आया है, रो रहा है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। इनके घर को, इनके मकान को किसने लूट लिया? आखिर उनकी मंशा क्या थी? ये परिवार कहाँ जाए, जबकि ये परिवार का कहना है कि सैकड़ों वर्ष से हम लोग वहाँ रहते हैं और चौथी पीढ़ी हैं। दोस्तों, आज भी देखा जा रहा है कि जो लोग बाहर रहते हैं, कमज़ोर तबका, मजबूत तबका उस पर भारी पड़ रहा है, और ऐसे लोगों को बेघर करके और जबरन जमीन कब्जा कर रहा है। आइए बात करते हैं उस परिवार से, जो परिवार आज जिला अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चक्कर लगाने के बाद यहाँ मौजूद है। मेरी नज़र पड़ी, मैंने पूछा तो जानकारी मुझे हुई। आइए बात करते हैं, क्या नाम है, कौन बताएगा, कहाँ से आई हैं? नरही से। नरही से क्या हुआ था? घर के जमीन के लिए। क्या हुआ, कब, कौन ले लिया जमीन? कब्जा कर लो। कब्जा कर लिया लोग? हाँ। क्या हुआ है जमीन पे? वही कब्जा कर लिया है सब। कब्जा कर लिए? हाँ, बोलिए। क्या हुआ था? थाने पे गए थे ना? थाने पे गए थे। थाने पे क्या लेके गए थे समस्या? समस्या ले गए थे कि हमारा जमीन वो कब्जा किए हैं। अच्छा, तो थानेदार साहब ने क्या साहब को बोला कि कुछ तू कागज पत्र लेके आओ। फिर 10 दिन का मोहलत दिया। फिर 10 दिन के बाद में गए 9 तारीख को, तो फिर 10 दिन का समय दे दिया। सुनवाई नहीं हो रही, कागज भी नहीं देख रहे हैं? ना ना, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे साहब हम लोग से बात भी नहीं किए। नहीं किए? ना, डांट के भगा दिए? हाँ। नहीं सुने ना? कागज कहाँ है इसमें? हम्म, दिखाओ जरा कागज दिखाओ जरा। तो ये कागज तुम्हारी नहीं देखे साहब? ना। थानेदार साहब ने नहीं सुना? ना। वो जमीन कितने साल से रहते थे वहाँ पे? वहाँ पर कम से कम हम लोग पैदाइश भी हम लोग नहीं हो, तब से बाप दादा वहाँ पर रहते थे। अच्छा, आप अहमदाबाद कब से हो? अहमदाबाद 15-16 वर्ष से हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ पर क्रूसबल का काम करते हैं, रेलवे के काम में होता है। अच्छा, मजदूरी करते हैं। कैसे पता चला कि जमीन कब्जा होगी? एक भाई ने बताया, वो टोले में कहे। तो आए तो वहाँ पे देखा कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं था, सब नहीं वही भी कोड़ के अपना ईंटों सरिया दिए हैं। अभी बोल रहे हैं कि हमारा ये भूसा घर है, आवास घर को बोल रहे हैं। तो फिर कहाँ रह रहे हो तुम लोग? हम लोग एक दूसरी कोठरी है छोटा मोटा, उसी में हम लोग 8-10 परिवार रहते हैं। अच्छा, छोटे से कोठरी में इतने लोग रहते हो? आप क्या लग रहा है कैसे मिलेगा फिर तुम्हारा घर? मिलेगा, अब क्या करें, अब तो धार हैं हम लोग। तो दोस्तों, आपने पीड़ा सुना कि कमज़ोर तबके का लोग, मजबूत तबके के लोग कैसे मकान कब्जा कर रहा है। ये परिवार आज भी अपने घर को लेकर थानेदार साहब के यहाँ जब गया तो थानेदार साहब ने भी इनकी नहीं सुनी। आखिर वजह क्या है कि इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही? क्या इनको अपना घर नहीं मिलना चाहिए? यदि इनके घर को किसी ने कब्जा किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये शासन और प्रशासन से इनका सवाल है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़ रहे हैं बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।